अल्लाह जी, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। दुनिया में सबसे बेहतरीन चाहत अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। यारब, अगले साल हाजियों में हमारा नाम भी लिखना। जब अल्लाह दुआएं नहीं बदलता, तब वो मुकद्दर बदलने के मौजज़े करता है। कुरान से मोहब्बत तो सभी करते हैं, लेकिन निभाते वही हैं जो इसकी तिलावत करते हैं। जितना तुम में सबर होगा, उतना ही तुम्हारी दुआ में असर होगा। थके हुए दिलों से कह दो, अल्लाह देख रहा है। जो कहानियां अल्लाह के सुपुर्द कर दी जाती हैं, उनका इख्तिताम कभी भी मायूसी पर नहीं होता। उसके पास है तुम्हारे इस बेचैन दिल की सभी राहतें, वही हर गम की दवा रखता है, क्योंकि वो मेहरबान है तुम पर। कोई तकलीफ हमेशा नहीं रहती, ये अल्लाह का वादा है तुमसे। इन भेड़ियों के जिस्मों पर इतने बाल नहीं हैं, जितने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर एहसानात हैं। खुदा ऐसा नमाजी बना दे कि नमाज पढ़े बगैर गुजारा ना हो। अब अल्लाह तुम्हारे लिए कुन लिख रहा है, अब तुमको सबर का इनाम मिलेगा। और फजर की नमाज तो अल्लाह पाक से वफा है। याद रखो, तुम अल्लाह से अपनी हैसियत के मुताबिक मांगते हो, पर वो तुमको अपनी शान के मुताबिक नवाजेगा। अल्लाह तुम्हारे दिल की हर वो मुराद पूरी कर देगा, जिसके लिए तुम दिन रात दुआ करते हो। रब वाकिफ है तुम्हारे दिल की तड़प से, वो जाया नहीं करेगा दुआएं तुम्हारी। जरा सबर करो, दिलों के हाल तुमसे बेहतर तुम्हारा अल्लाह जानता है। उठो बिलाल, आज अजान छुपकर नहीं, काबा की छत पर जाकर दो। पता चले उमर इस्लाम कबूल कर चुका है। ये शान है मेरे उमर की।